हाँ भाई इंसानों, क्या हालचाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपका जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, जहाँ मैं लास्ट टाइम आपका लेक्चर छोड़ा था, उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, मूड इसलिए नहीं कर रहा था पीपीटी बनाने का, क्योंकि मेरे भी जो पीपीटी मैंने यहाँ इस साल में बनाई थी वो लॉस हो चुकी थी। तो जब जब इसको खोलता था मूड खराब हो जाता था। कोई बात नहीं, कैसे भी करके आज मैंने किया है काम आगे। तो सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों के लिए अच्छी से पीपीटी बनाई है। बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा जो डिटेल कंटेंट है उसको मैंने आपके सामने बहुत ही क्रिस्प वे में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो आज हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आप सभी समझते होंगे, मैंने आपको पांच भी पार्ट पढ़ाए थे, पांच पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको ब्रेन के। तो देखो किस किस पढ़ाए थे, टीलन सेफेलॉन, डाइन सेफेलॉन, मीजन सेफेलॉन, मेटन सेफेलॉन, माइलन सेफेलॉन। ठीक है, ये सब पढ़ाए थे। आज मैं आपको फोर ब्रेन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगा टीलन सेफेलॉन और डाइन सेफेलॉन। ठीक है, तो टीलन सेफेलॉन एंड डाइन सेफेलॉन पढ़ाऊंगा। ठीक है, रात के 11:40 हो चुके हैं। ठीक है, और इस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से इंस्टीट्यूट वाले बच्चों से वादा कर रहा हूँ कि भाई आ जाएगी वीडियो, लेकिन क्या करें, ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीजंस नहीं आ पाता है। तो कोई बात नहीं, आज मैंने हिम्मत करी है टाइम निकालने की, और देखो आपके सामने वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से। देखो फोर ब्रेन के तीन हिस्से बताए जाते हैं मेनली। आपकी छोटी बुक्स जो होती हैं, लो लेवल की बुक जो होती है, उसमें तीन हिस्से कौन कौन से, एक तो बताया जा रहा है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, और एक बताया जा रहा है आपका सेरेब्रम, और एक बताया जा रहा है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के आगे जाके तीन हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, पढ़ते हैं फिर, सब कुछ यहीं थोड़ा बता दूंगा भाई। देखो फोर ब्रेन को हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर ब्रेन के तीन कौन कौन से पार्ट बताए जाते हैं आपकी बुक में। एंड दीज आर ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डाइएनसेफेलॉन, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके सामने। ठीक है, ओके। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, जहां भी आपको ऑल्फैक्टरी वर्ड मिल जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा स्मेल से होता है। इसका मतलब स्मेल से होता है। ठीक है, सर आपकी वॉइस में इतना बेस क्यों नहीं आ रहा है आज। देखो भाई, रात के 11:40 पर कोई इंसान कैसे बात करेगा वो भी समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो सुन ध्यान से। हाँ जी, तो ब्रेन के मेन मेन लोब्स हैं, मैं यहाँ पे आपको ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब, सर आप तो इतने सारे नाम दिखा रहे हो, फिर ऑल्फैक्टरी के बारे में ही क्यों बता रहे हो। देखो भाई, जो टॉपिक है फिलहाल उस पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे कि ये है पी एन एस के हिस्से, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के, और अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सी एन एस। तो कैसे पढ़ा दूँ भाई, ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा ना। तो सुनो भाई, क्रैनियल नर्व्स, आपके 12 नर्व्स होती हैं, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, और पीएनएस में आपके दो तरह के नर्व्स आएंगे, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वालिटी कंटेंट बनाने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्वालिटी में कोई कमी आए। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के दो पार्ट होते हैं, जिसके मैंने अभी दिखाया था आपको। एक तो है ऑल्फैक्टरी बल्ब और एक है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो देखिए आप, बल्ब वाला जो हिस्सा है, जिसका एकदम टर्मिनल वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे किस तरह से बल्ब जैसा दिख रहा है, इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल दिया। ठीक है, तो दो मिल रहे हैं, एक हेमिस्फेयर में एक। देखो ये क्या है, ये आपका जो फोर ब्रेन का सेरेब्रम है, इसके ना दो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर इधर है, एक हेमिस्फेयर इधर है, और बीच में जो ये लाइन है ना, जो इनको अलग कर रही है, जो इनका पार्टीशन दिखा रही है, उसका नाम है फिशर। क्या नाम है, फिशर, FISSUR, इसको फिशर बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके। देखिए मिड ब्रेन बातें पढ़ाई जाएगा, पॉन्स, मेडुला वगैरह जितने भी इसके पार्ट हैं सब बातें पढ़ाए जाएंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं फोर ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब्स पर, और ऑल्फैक्टरी लोब के दो पार्ट हैं यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, और काम समझते हैं भाई इसका। ये एक पेयर होता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स का, ठीक है, जो कि कहाँ से अराइज होती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब से अराइज होता है। ठीक है, याद रखना ऑल्फैक्टरी लोब्स, मैं क्वेश्चन में फंसा सकता हूँ आपको। ठीक है, कुछ और बोल दूंगा, ब्रेन का कोई और हिस्सा बोल दूंगा, आप वहीं घूम जाओगे, लेकिन याद रखना। ठीक है, अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व, पहली क्रेनियल नर्व है, 12 क्रेनियल नर्व है, पहली क्रेनियल नर्व आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है। पढ़ाएंगे सब लोग,
थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व है जो कि कहाँ से अराइज होती है, ऑल्फैक्टरी लोब से अराइज होती है। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है सेंस ऑफ स्मेल। आपके शरीर में जो आप स्मेल ले पा रहे हो, ठीक है, बाहर से, वो सब इन्हीं नर्व्स का कमाल है। तो आपका ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में इतना ही ज्ञान काफी है, इस मर्म में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेरेब्रम की, जो कि आपके पूरे फोर ब्रेन का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट हिस्सा है। और फोर ब्रेन का ही क्यों, पूरे ब्रेन का यही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स हिस्सा ब्रेन बोला है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोला है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद कॉर्पस कैलोसम, सर ये क्या है? अच्छा सुनो भाई, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर हैं इनको अलग करता है, मतलब इनका पार्टीशन कौन दिखा रहा है, फिशर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में बने हुए हैं एक फाइब्रस टिश्यू की वजह से। उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, देखो ये रहा कॉर्पस कैलोसम, यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, ये देखिए कॉर्पस कैलोसम, ये जितना भी आपको ब्राउन ब्राउन सा हिस्सा दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा आपका कॉर्पस कैलोसम है ये। अच्छा, इसमें आप स्पाइनल कॉर्ड को मत जोड़ दीजिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड को नहीं जोड़ना है। ठीक है, ना ही ब्रेन स्टेम को जोड़ना है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना है, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर हिस्सा, वो देखो पीछे की तरफ मुड़ रहा है, एकदम आगे से पीछे की तरफ मुड़ रहा है। इस हिस्सा को हम बोलते हैं गेनियो, जेनु बोल दो, गेनियो बोल दो। ठीक है, आई होप कि आप सही से बोलेंगे। इसके बाद स्प्लेनियम जो है वो देखिए, वो इसके पीछे की साइड में है, पीछे की साइड में देखो, है ना, जो पीछे की साइड में हिस्सा है इसको बोलते हैं स्प्लेनियम। फॉर्निक्स क्या है? ये देखिए, ये जो हिस्से हैं ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये जो दोनों हिस्से हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं, किसकी मदद से? फॉर्निक्स की मदद से। फॉर्निक्स, ठीक है, फॉर्निक्स की मदद से। सुनिएगा फॉर्निक्स का क्या सीन है। फॉर्निक्स दो होते हैं, एक हेमिस्फेयर में एक एक इधर होता है, एक इधर होता है। ठीक है, तो 1+1 2। इसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? देखो भाई, अगर आप ब्रेन को खोल के देखेंगे ढंग से अगर आप ब्रेन को खोल के देखेंगे, उसकी परतों को काट के देखो, जैसे अगर मैं इस ब्रेन को यहाँ से कट कर दूँ और फिर आपको दिखाऊँ, देखो दिखने में क्या लगेगा आपको, बाहर की तरफ, मैम ऐसे ही कोई भी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो बाहर की तरफ आपको देखेंगे डार्क डार्क से हिस्से, डार्क डार्क से हिस्से दिखेंगे। ठीक है, डार्क डार्क सा हिस्सा दिखेगा, डार्क 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 डार्क, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा दिखेगा। ठीक है, ग्रे, इस कलर का ग्रे, कलर का ग्रे, इसको हम बोल देते हैं ग्रे मैटर। और इसके अंदर वाली जो लेयर मिलेगी, ठीक है, कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन होता है मेडुला, जो अंदर वाला जो रीजन है, अंदर इसके जो अंदर है कॉर्टेक्स के जो अंदर वाला रीजन है वो आपको वाइट ही मिलेगा। ये कौन सा रीजन मिलेगा तुम्हें? वाइट, मतलब ब्रेन की जो जो ये है ना, ये लेयर मैंने कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सामने से, जैसे कि आप इसको यहाँ से देख रहे हो, मैंने यहाँ से कट करके फिर साइड से दिखा रहा हूँ इसकी परत क्या क्या है, क्या क्या परत दिख रही है, ठीक है, या फिर कट करके अब इनकी लेयर्स दिखा रहा हूँ। तो बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है भाई, बाहर वाली जो लेयर है वो ग्रे कलर की है, इसको हम ग्रे मैटर बोल देते हैं। इसे कलर ग्रे इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एग्जोन बहुत ज़्यादा है, एग्जोन, ठीक है, एग्जोन। और वाइट वाले, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये मार्कर गिर गया ना, इस वजह से उल्टा हो गया। ओके, सुनिए ध्यान से, आप लोगों से उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ना ही आप मेरे से उल्टा बोल सकते हैं। तो ग्रे कलर का जो हिस्सा है यहाँ पे ना, साइटोन होता है, साइटोन, साइटोन सेल बॉडी। और व्हाइट वाले हिस्से में क्या होता है? व्हाइट वाले हिस्से में आपका एग्जोन होता है, जैसे कि मैंने बहुत पहले किसी जमाने में आपको बताया था। ठीक है जी, ओके, तो ग्रे और व्हाइट मैटर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं कॉर्टेक्स को और थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं। तो कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है, सुनिए इसके बारे में, ये आउटर लेयर होती है आपके सेरेब्रम की, और इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें अपवार्ड फोल्ड है, जैसे मैं अभी एक डायग्राम बनाया था इस तरह से, कुछ ऐसे ही कुछ भी, ठीक है, जो ऐसे डायग्राम मैंने बनाया था, तो जो अपवार्ड फोल्ड है, जो बाहर की तरफ फोल्ड्स हो रहे हैं, बाहर की तरफ जो निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं गायरस, गायरस, और बहुत सारे को बोलेंगे गायरी, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गायरी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और जो डाउनवर्ड ग्रूव्स है नीचे की तरफ जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, इनको आप सल्कस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सल्कस, सल्कस।
और बहुत सारे सल्कस को सल्काई बोल देंगे, जैसे रेडियस रेडियाई, गायरस गायरी, सल्कस सल्काई। ठीक है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे एरिया होते हैं ब्रेन के, इस सेरेब्रम के एरिया होते हैं। सेरेब्रम के एरिया होते हैं, कुछ एरिया मोटर न्यूरॉन को रखते हैं, कुछ एरिया सेंसरी न्यूरॉन को रखते हैं, और कुछ एरिया एसोसिएशन न्यूरॉन्स को रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या कराएंगे, मूवमेंट का काम कराएंगे। मतलब कि दोबारा से समझा रहा हूँ, आपकी बॉडी ने कोई भी चेंज को डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से कहाँ पहुँचा, वो ब्रेन के पास पहुँचा। माना चलो ब्रेन के किसके पास पहुँचा गया, एसोसिएशन न्यूरॉन के पास, और फिर ये कोई भी प्रोसेसिंग कर करके कोई भी डिसीजन लेगा, और उस डिसीजन की वजह से जो भी रिजल्ट हमें पहुँचाना होगा किसी ऑर्गन के पास, वो काम हो जाएगा। तो मोटर न्यूरॉन ऑर्गन को या किसी ग्लैंड को अफेक्ट इम्पेक्ट करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन कोई भी मैसेज को लेकर के आते हैं कहीं और से। ठीक है। अच्छा, इस समय पहले बता चुका हूँ भाई, बार बार क्यों बोलवा लेते हो तुम मेरे से, बड़े चालाक हो भाई। इसके बाद बात करते हैं। हाँ, भाई इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी में दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। तो एसोसिएशन जो एरिया होते हैं इनके काम बता रहा हूँ। एक तो है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, और मेमोरी, और कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को याद रखते हो, मैं भी चीज़ों को याद रखता हूँ, मतलब हम दोनों इंसान हैं। ठीक है। ब्रेन का एरिया है कौन सा, एसोसिएशन एरिया, उसका काम है ये। इंटरसेंसरी एसोसिएशन क्या होता है सर, सुन लो ध्यान से, इंटरसेंसरी एसोसिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अभी देखो मेरी वीडियो को देख भी रहे हो, मतलब कि आपकी आई, सेंस ऑर्गन आई काम कर रहा है, और आप मेरे लेक्चर को सुन भी रहे हो, मतलब कि ईयर भी काम कर रहे हैं, तो आपके दो सेंस ऑर्गन एक साथ काम करें, इसको एसोसिएट कौन कर रहा है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन का वर्क है ये, और ये काम है आपका एसोसिएशन एरिया का। आगे चलते हैं। व्हाइट मैटर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो एरिया होगा वो व्हाइट कलर का दिखेगा, और उसके अंदर एक्सॉन होंगे, तो उसको व्हाइट मैटर बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ब्रेन के लोब्स की बात कर लेते हैं। ब्रेन के चार लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, उसके जस्ट पीछे पेराइटल लोब, एंड देन ऑसीपिटल लोब, और साइड में होते हैं आपके टेम्पोरल लोब। ठीक है ना। एक हेमिस्फेयर में चार लोब, और दूसरे हेमिस्फेयर में भी चार लोब इसी तरह से डिवाइड होंगे। अच्छा याद रखना, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, ये है सेंट्रल सल्काई, है ना, और मैंने आपको बताया था ये है पेराइटो ऑसिपिटल सल्काई, और ये है आपका लेटरल सल्काई। ठीक है, लेटरल सल्काई ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। इसी सल्कस की मदद से, इन्हीं सल्काई की मदद से क्या होता है, आपके जो ब्रेन है उसके अंदर अलग अलग लोब्स हमें दिखते हैं। ठीक है। तो फ्रंटल लोब का क्या क्या काम है वो सब देख लीजिएगा, यहाँ से जो भी दिक्कत आती है मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। सबके इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यहाँ लिख रखे हैं, दिखा रखे हैं, इमेज सेलेक्ट कर रखे हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इस बात करते हैं आपका जो मैंने अभी डिस्कशन किया था, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये सब क्या है सर, तो सुनो मैं ध्यान से। ऐसे तो ब्रेन में बहुत सारे एरिया होते हैं, ठीक है, और एसोसिएशन एरिया जो होता है, एसोसिएशन जो एरिया होता है, एसोसिएशन, ठीक है, जो एसोसिएशन एरिया होता है ना, तो ये पूरा का पूरा मोटर होता है, ना ही ये पूरा का पूरा सेंसरी होता है। ठीक है, याद रखना, ना तो एसोसिएशन कंप्लीटली मोटर होता है, ना ही ये कंप्लीटली सेंसरी होता है। ठीक है, याद रखना, ना ये कंप्लीटली मोटर, ना ही ये कंप्लीटली सेंसरी होता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है सेरेब्रम का वो सेंसरी होता है। ठीक है ना। जो ये पिंक किस कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका एसोसिएशन एरिया है। बाकी जो कलर्ड एरिया आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये सब या तो मोटर या फिर सेंसरी एरिया हो रहे होंगे। ठीक है। लेकिन सर ऐसे कैसे हो रहे होंगे, क्लियर जवाब दो, तो सुनो भाई ध्यान से। जो आपका सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस जिसके आगे की तरफ फ्रंटल लोब और पीछे की तरफ पेराइटल लोब होता है, ठीक है, तो है ना, प्री सेंटर मतलब सेंटर से पहले जो फ्रंट वाला एरिया है वो मोटर होता है। कैसा होता है, मोटर। ठीक है ना। इसमें सब मोटर फंक्शन होते हैं, और इसके जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे सेंसरी काम होता है। सेंसरी सेंसरी सेंसरी, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ ना, बोला जाता था कि भाई जब आपके सर के पीछे कोई थप्पड़ मारता था पहले, तो आपकी आंखों के सामने हल्का सा अंधेरा आ जाता था, तो मतलब कि पीछे की तरफ आपके सेंसरी एरियाज होते हैं। ठीक है। तो
तो याद रखिएगा यहाँ से, तो इतना ज्ञान काफी है आपकी इस एज के हिसाब से। ठीक है जी। तो सेंसरी एरिया कहाँ लाई करता है? फ्रंटल लोब पे लाई करता, सॉरी मोटर, सॉरी मोटर एरिया जो है वो फ्रंटल लोब पे लाई करता है और इमीडिएटली एंटीरियर होता है। इमीडिएटली मतलब कि जो सेंट्रल सल्कस है, जो सेंट्रल सल्कस है उसके जस्ट एकदम आगे क्या होता है आपका? मोटर एरिया होता है। ठीक है, मतलब प्री सेंट्रल होता है। पोस्ट सेंट्रल जो कि सेंसरी होता है वो कहाँ होता है? लाइज इन पेराइटल लोब। कहाँ होता है ये? पेराइटल लोब में होता है। पेराइटल लोब, ठीक है, पेराइटल पेराइटल लोब में होता है और इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल जो सल्कस है उसके एकदम पीछे की तरफ ये होता है। ठीक है ना। और ये परसीव करता है सेंसेशन को, पेन को, टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब ये जो सेंसेस हैं उन सबको। ठीक है, सेंसरी एरिया। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए हैं, आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में घुस रही हैं सीधा सीधा वो सब लिख लीजिएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको डायग्राम दिखा रहा था कि है ना। और बहुत ज़्यादा एरिया कौन सा होता है? बहुत ज़्यादा एरिया आपका एसोसिएशन होता है। ठीक है, और ना तो ये कम्प्लीटली मोटर ना ही ये कम्प्लीटली सेंसरी होता है, दोनों काम कर देता है, प्रोसेस करता है। एक्चुअली क्या करता है? प्रोसेस करता है, दोनों की सुनता है, डिसीजन लेता है। चलो जी आगे चलते हैं। लोस वगैरह सब पे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा क्या क्या काम कर रहे हैं वो सब ध्यान दे लेना अपने हिसाब से। यूं तो बहुत सारे 43, 45, इनको ना मैप बोलते हैं, मैप, ये माइंड के इन एरियाज का मैप है। आपने अपने कंसेप्ट के बहुत सारे माइंड मैप बनाए होंगे, लेकिन ना ये ब्रेन के मैप है। ठीक है, इन सभी एरियाज में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी के साथ आपका सेरेब्रम वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट को क्रिस्प वे में प्रोड्यूस किया है आपके सामने। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से अब। चलो भाई, तो सबसे पहले बात करता हूँ सेंसरी स्पीच एरिया की। जो स्पीच एरिया है, ठीक है, स्पीच एरिया कहाँ है? ये आपके पेराइटल लोब के लोअर हिस्से में मिलता है ना, और एक्सटेंड हो जाता है टेम्पोरल लोब तक, और ये वर्ड को स्पोक करवाता है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑडिटरी एरिया। फटाफट सुन लीजिएगा, वीडियो छोटी ही बनेगी और आपको ही मजा आएगा। ठीक है, और मैं भी आराम से सो पाऊंगा। तो ऑडिटरी एरिया जो है ये कहाँ मिलता है? इमीडिएटली बिलो। इमीडिएटली मतलब तुरंत उसके नीचे मिलता है, किसके? लेटरल सल्कस के। लेटरल सल्कस मैंने बताया था। ठीक है, सब ये ज्ञान मैं पहले ही दे चुका हूँ, बार बार पूछ के दिमाग खराब ना करें। जैसे रेडियो पे लिखा होता है उदाहरण का शर्मिंदा ना करें, ऐसे ही मेरे से ये डाउट आप पूछ कर मुझे शर्मिंदा ना करें। तो लाइज इमीडिएटली बिलो द लेटरल सल्कस इन द टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब? टेम्पोरल लोब, ये सब बता चुका हूँ। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? हियरिंग का होता है। ठीक है जी, इसके बाद है ये भाई एक्स्ट्रा है और इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वर्निक्स एरिया है ये। ये कहाँ होता है? याद रखना, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में मिलेगा, ना कि राइट टेम्पोरल लोब में। ठीक है ना, तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब में मिलेगा ये। ठीक है ना, और इसका ये क्या करता है? ये जब हम खड़े होकर स्पीच देते हैं उसमें ये काम कर रहा होता है, और राइटिंग वर्ड्स में, जैसे अभी मैं कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ तब भी मेरा वर्कन्स सॉरी वर्निक्स एरिया काम में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विजुअल एरिया की। नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, ये कहाँ लाई करता है? ग्रेटर ग्रेटर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल लोब में, मतलब ऑसिपिटल लोब का बहुत ज़्यादा हिस्सा यही होता है। ठीक है, और ये हमें देखने में काम आता है। ऑसिपिटल समझते हैं ना, पीछे ऑसिपिटल मार देता है, दिखना बंद हो जाता है, तेज मार देता है तो बहुत एकदम ही बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया के। फिर से आ गया, फिर से आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? बहुत अंदर होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है, मैंने दिखाया था अभी आपको स्टार्टिंग में ही। ये रिसीव करता है इम्पल्स को कहाँ से? नोज से। नोज से इम्पल्स को रिसीव करे कौन सी नर्व के थ्रू? ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व। ठीक है, और उनके साथ इंटरप्रेट करेगा, स्मेल के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, नाउ द टेस्ट एरिया, इसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स को कुछ सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्ट कर लेते हैं वहां से इंपल्स को, फिर हमें पता चलता है कि टेस्ट कहाँ है। ठीक है, टेस्ट कैसा है? तो ये कहाँ होता है? पेराइटल लोब में होता है, पेराइटल लोब में। ठीक है ना, और लेटरल सल्कस के ऊपर होता है इन द पोस्ट सेंट्रल एरिया। पोस्ट सेंट्रल सेंसरी हो गया, अगेन सेंसरी हो गया, टेस्ट है सेंसरी। ठीक है, द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द टंग इंटरप्रेटेड हेयर। टंग से जो भी नर्व आ रही है वो यहाँ इंटरप्रेट करेंगे।
इसके बाद है मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच, मोटर स्पीच, मोटर स्पीच, मोटर स्पीच, समझ रहे हो, स्पीच जो देना पड़ रहा है, मोटर मोटर, ठीक है, टंग हिल रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, और ये फ्रंटल लोब में लाई करता है। और लास्ट है आपका विजुअल एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आपका ऑसिपिटल एरिया में लाई करता है, ठीक है जी। इसी के साथ आपका लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइएन्सेफेलॉन और आपका मिड ब्रेन भी और हाइंड ब्रेन भी उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद। और आज डेट है आपकी 9, लेकिन अब तो 12 बज गए, 10 डेट लगा लीजिएगा। मैं 9 तारीख को स्टार्ट किया था, 10 तारीख को खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 9 डाल रहा हूँ, नहीं खत्म। चलो जी, गुड नाइट सभी को।